फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हज़रत कुबैसा बिन मखारिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक ऐसे कर्ज़े की ज़मानत ली जो दीयत की वजह से था, चुनाचा मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अदायगी कर्ज़ के लिए कुछ रकम या माल का सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरे रहो, जब हमारे पास ज़कात का माल आएगा तो उसमें से तुम्हें देने के लिए कह देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि कुबैसा सिर्फ तीन तरह के लोगों के लिए सवाल करना जायज़ है। एक तो उस शख्स के लिए जो किसी के कर्ज का ज़ामिन बन गया हो, बशर्ते के मांगने में मुबालगा न करे बल्कि उतनी ही माल या रकम का सवाल करे कि उससे कर्जे को अदा कर दे और उसके बाद फिर न मांगे। दूसरे उस शख्स के लिए जो किसी आफत व मुसीबत, मसलन कहत व सैलाब वगैरह में मुब्तला हो जाए, चुनाचा उसको सिर्फ उस कदर मांगना जायज़ है जिससे उसकी ग़िज़ा व लिबास की ज़रूरत पूरी हो जाए, या फरमाया कि उस कदर मांगे कि उसकी मुहताजगी दूर हो जाए और उसकी ज़िंदगी के लिए सहारा हो जाए। तीसरे उस शख्स के लिए जो गनी हो मगर उसको कोई ऐसी सख्त हाजत पेश आ गई है जिसे अहले मोहल्ला भी जानते हो, मसलन घर का तमाम माल व असबाब चोरी हो जाए या और किसी मुसीबत व हादसे से दो चार होने की वजह से ज़रूरतमंद बन जाए और कौम मोहल्ला बस्ती के तीन साहिब लो फरासत लोग उस बात की शहादत दें कि वाकई उसे सख्त हाजत पेश आ गई है, तो उसके लिए उस कदर मांगना जायज़ है जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, या फरमाया कि उसकी वजह से उसकी मोहताजगी दूर हो जाए और उसकी ज़िंदगी का सहारा हो जाए। कुबैसा, इन तीन के अलावा किसी और को सवाल करना हराम है। अगर कोई शख्स इन तीन मजबूरियों के अलावा 10 सवाल दराज करके किसी से कुछ लेकर खाता है तो वो हराम खाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बाज़ इजाफ़ा माल की खातिर लोगों के माल में से कुछ मांगता है तो वो गोया आग का अंगारा मांगता है, अब वो चाहे कम मांगे या ज़्यादा मांगे।